दोस्तों मई 1999 में जब पाकिस्तानी सैन्य घुसपैठियों की तरह कश्मीर में घुस आए थे और करगिल में कई पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। बाद में इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने एक मिशन लॉन्च किया, लेकिन पहाड़ियों में छिपे होने की वजह से इन घुसपैठियों की सही लोकेशन पता करने में इंडियन आर्मी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी कि वो अपने GPS सिस्टम से हमें डाटा प्रोवाइड करे, लेकिन हमेशा की तरह अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और भारत जीत गया। मगर भारत को यह समझ चुका था कि क्रिटिकल चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना एक बेवकूफी है, इसलिए भारत ने खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लिया जो IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक के नाम से जाना जाता है। इसे भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। इस सिस्टम को कई मायनों में अमेरिका के GPS सिस्टम से बेहतर माना जाता है, जो कि एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाविक सिस्टम को सिविलियंस और मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक 7 सैटेलाइट का समूह है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने विकसित किया है, जिसके बाद भारत उन चुनिंदा